जो खेल है वो सरगोधा के हाथ में होता हुआ। अच्छी ड्रिबल, अच्छी सोच, ये अब जाहिर है फिल वक्त कुछ मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट जब खिलाड़ी लूजन अप हो जाएंगे फिर ताबड़तोड़ हमले होंगे। ये फाइनल है और डू और डाई वाली सिचुएशन है दोनों के लिए। क्या देख सकते हैं कि ये फैसलाबाद की जो प्लेइंग 11 है और शर्ट नंबर है बासित 12, समीन 18, कामरान आसिफ 5 और तशावर 6, मोहसिन बिलाल 27, शजी 8, हमजा फयाज 10 और राणा वही देख सकते हैं 8 नंबर की शर्ट पहने हुए, जबकि साबिर अली 1 नंबर की शर्ट पहने हुए हैं। तो ये वो कतार अंदर कतार नाम चलते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ खेल जारी है, अटैक करते हुए सरगोधा के फॉरवर्ड डॉटेड लाइन के अंदर, डॉटेड सर्कल के अंदर, और इस दौरान फ्री हिट मिली है सरगोधा को, बैक पास, अच्छा तालमेल है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी ड्रिबल भी है और टॉप ऑफ द डी फाउल हुआ है। यहाँ पर अब हमला टला नहीं है, पायर ने विसल के जरा खेल को रोका जाए और स्ट्राइक दोबारा ली जाए। तो इस दौरान एक जोरदार पुश थी, गोल लाइन से गेंद बाहर जा चुकी है। फैसलाबाद 0 सरगोधा 0, 13 मिनट और 40, बल्कि अभी बड़ा वक्त है, 13 मिनट और 37 सेकंड का खेल बाकी है, लेकिन गेंद फिल वक्त सरगोधा के फॉरवर्ड के पास है, राइट फ्लैंक पर अच्छा पास है। यहां से देखना होगा किस तरीके से पास देते हैं, और कोशिश की थी कि किसी ना किसी तरीके से कोई इन्फ्रिंजमेंट हो, कैरिड हो और पेनल्टी कॉर्नर मिले, ये कोशिश थी फैसलाबाद के फॉरवर्ड की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेंद को हासिल कर लिया है दोबारा जो सरगोधा के डिफेंडर है, गेंद को अच्छे तरीके से पास दिया है, अच्छा मौका हो सकता है, ये खिलाड़ी को डॉज किया और अब डॉटेड लाइन के अंदर दाखिल हुआ, यहाँ पर रोका गया और अंपायर ने फाउल करा दिया, लेकिन क्लेम कर रहे हैं सरगोधा के फॉरवर्ड के पेनल्टी कॉर्नर दिया जाए, क्योंकि मैं डी के अंदर दाखिल होना चाह रहा था, मुझे फिजिकली रोका गया है। फैसलाबाद के डिफेंडर फ्री हिट लेते हुए यहाँ से स्कूप किया है, और स्कूप ऐसी जगह पर किया है यहाँ पर फैसलाबाद के फॉरवर्ड मौजूद थे। गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए 25 गज की लाइन के करीब पहुंचे, डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करके इसमें कामयाबी हुई, यहाँ से थ्रू पास दिया है और पेनल्टी कॉर्नर हो गया है। तो ये एक दानिस्तन कोशिश थी पेनल्टी कॉर्नर लेने की, टांग पर गेंद लगी सरगोधा के डिफेंडर की और 5 ही खिलाड़ी जो हैं वो गोल पोस्ट के अंदर हैं। इस दौरान पुश हुआ और रोका गया, एक अच्छा मौका था, लेकिन एक और पेनल्टी कॉर्नर गेंद जाके लगी है और इसको दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, एक और कोशिश, लेकिन उसमें कहना होगा कि जो सरगोधा के डिफेंडर थे वो कामयाब हुए हैं। सरगोधा के डिफेंडर हैं, फॉरवर्ड्स हैं, उन्होंने भी अभी तक ठीक काम किया, अच्छे तरीके से डिफेंड किया, वो जो हमले थे, जो ऑनस्लॉट थी उसको मुतअद्दिद बार रोका है। तो इस बार सरगोधा के फॉरवर्ड अटैक करते हुए दाएं जानिब से, बल्कि बाएं जानिब से। जी बिल्कुल, और सर आप बात कर रहे थे कि कोशिश बड़ी अच्छी रही है अभी तक, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। फैसलाबाद पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छा मौका होगा, यहाँ पर क्या चांस मिलेगा, और अंपायर ने फाउल करार दे दिया है इस बार सरगोधा के डिफेंडर का, टॉप ऑफ द डी, और ये दिलचस्प मूव हो सकती है क्योंकि बार बार प्रेशर डालने से जाहिर है कि एक मौका मिलता है, ये एक अच्छी हिट थी, लेकिन अच्छा रिबाउंड, एक मरतबा फिर कोशिश की थी फैसलाबाद के फॉरवर्ड ने गेंद को हासिल करके हिट करने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस दौरान दोबारा अटैक करते हुए अब सरगोधा के फॉरवर्ड, ये अच्छा मौका है, लेकिन इस दौरान अब क्योंकि डॉटेड लाइन के अंदर, डी के अंदर इन्फ्रिंजमेंट हुई थी, अंपायर का इशारा कि ये पेनल्टी कॉर्नर है, तो ये अब दिलचस्प सूरत हाल होगी, पुश होगी, गेंद रुकेगा, डायरेक्ट होगा, इंडायरेक्ट होगा, जबरदस्त पुश, लेकिन बहुत अच्छी अच्छा बचाव किया गोलकीपर ने और गेंद को आगे पहुंचा दिया डी के अंदर, अच्छा पुश, अच्छी क्लियरेंस फैसलाबाद की, और गेंद दोबारा फिर सरगोधा के सेंटर हाफ के पास है। यहाँ से एक बार फिर अब लेफ्ट विंग से कोशिश करेंगे, लेफ्ट फ्लैंक से कोशिश करेंगे, और टॉप ऑफ द डी पास किया गया है, बाहर ने फाउल कर दिया है सरगोधा के फॉरवर्ड का, कैरिड हुआ था, खेल खेल आगे बढ़ता हुआ, गेंद आगे बढ़ता हुआ, ये अच्छी बात है कि आप जो मेन और जो मुअस्सर फॉरवर्ड है उसको मार्क करके रखें। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि अच्छी अच्छी ड्रिबल थी, लेकिन अंपायर ने फाउल करा दे दिया है। तो फ्री हिट मिली फैसलाबाद को, फैसलाबाद के फॉरवर्ड लेफ्ट फ्लैंक से आगे जाने जाते हुए। इस दौरान अब एक सब्स्टिट्यूशन हुई है, सब्स्टिट्यूशन एट विल आप कर सकते हैं, अब जो मॉडर्न हॉकी है इसमें यह सहूलत हो चुकी है। अच्छा ड्रिबल है, बहुत अच्छा ड्रिबल है सरगोधा के फॉरवर्ड की जानिब से, लेकिन कन्वर्ज हो गए थे 2-3 जो डिफेंडर हैं फैसलाबाद के, उन्होंने इस मूव को रोका और मिलाकर ये क्लियर कर दिया है, फर्स्ट टाइम क्लियर किया है, और अब अटैक कर रही है फैसलाबाद की टीम और उसके फॉरवर्ड आगे जाते हुए। अच्छा ड्रिबल है, लेकिन अच्छी एंटिसिपेशन कहूँगा इस वक्त सरगोधा के फॉरवर्ड की, राइट हाफ पर खड़े हुए थे, लेकिन गेंद दोबारा हासिल कर ली अब फैसलाबाद के फॉरवर्ड ने।
से एक दूसरे को पास देते हुए। हॉकी में तालमेल बड़ा ज़रूरी है एक दूसरे के साथ, जहर के पासिंग और फिर टैकलिंग और जो स्ट्रेटजी है ये बड़ी ज़रूरी है, और ऐसा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों में अच्छा एक इस हवाले से जज्बा भी है और अंडरस्टैंडिंग और समझ बूझ भी है। और इस दौरान गेंद को हासिल कर लिया है सरगोधा के फॉरवर्ड ने, लेफ्ट फ्लैंक से कोशिश है, रिवर्स जाने की कोशिश करेंगे और गेंद गोल लाइन से बाहर जा चुकी है। और ये वो टॉर्च बेरर हैं जो कि इन बड़े बड़े अजीम खिलाड़ियों की हॉकी जो है उसको लेकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनको ज़ाहिर है कि टेक ऑफ करना है। इस दौरान अच्छा अटैक है फैसलाबाद की जानिब से, और बराह रास्त अगर पुश जाती गोल की जानिब तो एक अच्छा नतीजा हो सकता था फॉर सरगोधा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्कोर बदस्तूर 0-0 है। ये बाईं तरफ से हमला है और ये मुअस्सर हो सकता है। अब डी के अंदर दाखिल होंगे, यहाँ से जल्दी की और उजरत किया, बिल्कुल ठीक किया, और अंपायर ने कहा कि नहीं गेंद गोल लाइन से बाहर जा चुकी है। सेंटर लाइन के करीब बड़ा अच्छा पास दिया लेकिन वहाँ पर मौजूद नहीं थे सरगोधा के फॉरवर्ड ने, स्कूप किया एक मतलब फिर सरगोधा के डिफेंडर ने, और अब गेंद जा चुकी है 25 गज की लाइन के करीब, यहाँ से एक अटेम्प्ट हो सकती है। अच्छा पास दिया है, ये मौका होगा, और गेंद को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गोलकीपर ने। और दाएं जानिब से अब ये एक मौका होगा, अच्छा मौका है, अच्छी अच्छी काबिश है, यहाँ से गोल करने की कोशिश और उसमें कामयाबी, और इस तरह फैसलाबाद ने कामयाबी हासिल कर ली है और उनके खिलाड़ियों ने एक शानदार काबिश को गोल में कन्वर्ट किया। फैसलाबाद 1-0। ये शानदार काबिश, ये देखिए किस तरीके से गेंद को कंट्रोल में रखा, अपने नर्व पे कंट्रोल रखा, अच्छा पास दिया, और ओपन गोल था फॉर फैसलाबाद फॉरवर्ड, उन्होंने सिर्फ डिफ्लेक्ट किया और बर्वक गेंद को गोल के अंदर फेंक दिया। तो फैसलाबाद ने कामयाबी हासिल कर ली है गोल की, और अब देखना होगा कि किस तरीके से रिट्रीव करते हैं जो सरगोधा के फॉरवर्ड हैं। जवाबी हमला है, अंदर दाखिल हुए, यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे अटेम्प्ट है, लेकिन बड़ा शानदार गोल मैं कहूँगा, ये बेहतरीन गोल था, बिल्कुल अपने आप पे कंट्रोल रखा, बड़ा अच्छा ड्रिबल किया और गेंद को बड़े इत्मीनान से खूबसूरती से गोल के अंदर फेंक दिया। तो रिजाइंडर दिया है, जवाब दिया है सरगोधा ने, सरगोधा 1-1। ये देखिए जिस तरीके से गेंद पर कंट्रोल रखा, अपना बैलेंस लूज नहीं किया, और अपने आप पर अफसोस करते हुए, कफे अफसोस मलते हुए गोलकीपर और दिफाई खिलाड़ी फैसलाबाद के, ये क्या हुआ, पलक झपकते ही गेंद कैसे गोल के अंदर चली गई। ये सूरत हाल है यहाँ पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में, जबरदस्त मुकाबला है सरगोधा वर्सेस फैसलाबाद, फैसलाबाद 1-1। तो फैसलाबाद की टीम अटैक करती हुई सेंटर ऑफ द सेंटर लाइन के करीब, एक दूसरे को पास देते हुए कि इनका कब्जा या कंट्रोल अपने पास रखते हुए, इस दौरान इन्फ्रिंजमेंट हुई है सरगोधा के खिलाड़ी की। फैसलाबाद 25 गज की लाइन के ऊपर फ्री हिट लेते हुए इनके फॉरवर्ड, जोरदार हिट गोल के अंदर और गेंद गोल लाइन से बाहर जा चुकी है। यहाँ पर अभी तक जो हॉकी हुई है उसका बयान बड़ा ऊंचा रहा है। ये फैसलाबाद और सरगोधा के खिलाड़ी हैं, और जो दूसरा क्वार्टर है वो ख़त्म हो चुका है। फैसलाबाद 1-1। देख रहे हैं कहाँ पास दिया जाए, एक ऊंचा स्कूप है और ये ऐसी जगह पर गिरा जहाँ पर सरगोधा के फॉरवर्ड मौजूद थे, गेंद उन्होंने हासिल किया, और अब सरगोधा के जो फॉरवर्ड हैं उनमें ख़ास तवानाई आई है गोल करने के बाद, इक्वलाइजर के बाद। लेकिन जहाँ तक फैसलाबाद का ताल्लुक है, फैसलाबाद के फॉरवर्ड बड़ी अच्छी टैकलिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ उनका डिफेंस भी अच्छा है, लेकिन फिर जो फॉरवर्ड लाइन है उनका स्टिक वर्क, बॉडी जो एक डॉज है और जो ड्रिबल है वो बहुत शानदार है। लंबे कद के हैं और मजबूत कामत के मालिक हैं फैसलाबाद के जो खिलाड़ी हैं, इसी तरीके से सरगोधा के खिलाड़ी भी हम देख रहे हैं कि बड़े चाबक दस्त हैं। इस मरतबा लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करेंगे, टॉप ऑफ द डी अंपायर की विसल के फाउल हो चुका है, तो फ्री हिट मिली है सरगोधा को। फैसलाबाद के जो फॉरवर्ड हैं वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए इस बार नीचे गिर गए, और यहाँ पर अंपायर ने ये देखा कि गलत तरीके से दानिस्तन रोका गया है, ये पेनल्टी कॉर्नर दिया जा सकता है, उसकी नौइयत देखनी पड़ती है, ये मौका ज़ाया हुआ, लेकिन अभी भी खतरा है, यहाँ से ट्राई और गोल हो गया। तो ये कामयाबी है फैसलाबाद के लिए, फैसलाबाद ने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है सरगोधा पर, और ये एक डिसाइसिव फैक्टर होगा कुछ देर तक के लिए, क्योंकि फैसलाबाद टाइम एंड अगेन अटैक करते हुए और कैपिटलाइज करते हुए ये मौका भी उन्होंने अच्छे तरीके से कैपिटलाइज किया और दूसरा गोल किया, और
अपने आप को किसी हद तक महफूज कर लिया। ये हॉकी का खेल है, इसमें एक गोल की सबक को ज्यादा अहमियत नहीं रखती, लेकिन ये फाइनल मैच है, देखिए किस तरीके से गोल हुआ। और इस बार लड़खड़ा गए, गोलकीपर गेंद उनके पाँव के नीचे से होती हुई गोल लाइन क्रॉस कर गई। फैसलाबाद 2 सरगोधा 1, तो फैसलाबाद लीड करता हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि अब तक का जो खेल हुआ है उसमें फैसलाबाद ने अपनी डोमिनेंस बरकरार रखी है। राइजिंग पंजाब गेम 2024 के सिलसिले का और हॉकी के इवेंट में 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान एक अच्छा हमला है फैसलाबाद की जानिब से, फैसलाबाद चाहेगी कि अपनी जो सबकत है उसको मैं मजीद इजाफा किया। यहाँ से रिवर्स हिट, लेकिन गेंद दाई जानिब से गोल पोस्ट के करीब से होती हुई गोल लाइन से बाहर जा चुकी है। तो एक अच्छा हमला था, लेकिन इसमें वो बाकायदगी नहीं थी, वो ज़ाहिर है कि तालमेल नहीं था। तनहाई की फॉरवर्ड ने गेंद को लिया, आगे बढ़े और रिवर्स हिट भी लगाई। इस दौरान खिलाड़ी से गिर गए हैं, लेकिन गेंद अभी भी फैसलाबाद के फॉरवर्ड के पास है। अच्छी एंटिसिपेशन सरगोधा के मिडफील्डर की, यहाँ से अच्छा पास दिया है, अच्छी सोच है, लेकिन गेंद को सही तरीके से रोक नहीं पाए। जो लेफ्ट आउट पर खड़े हुए फॉरवर्ड थे के तौर पर फैसलाबाद के जो लेफ्ट विंगर, उन्होंने गेंद को हासिल किया, ड्रिबल करते चले जा रहे हैं। अब देखेंगे पास किसको दें, बैक पास दिया है, यहाँ से अब पास कहाँ जाएगा, दैट रिमेन टू बी सीन। सोच रहे हैं कहाँ पास दिया जाए या खुद ही गेंद को लेकर आगे जाया जाए, ऐसे ही हुआ है, अच्छी सोच है। और आगे बढ़ते हुए अब डी के करीब जाते हुए डी के अंदर दाखिल होंगे, यहाँ से उनकी अटेम्प्ट टॉप ऑफ डी और यहाँ पर एक और मौका और ये तीसरा गोल कर दिया है फैसलाबाद ने। फैसलाबाद 3 सरगोधा 1। तो फैसलाबाद के बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि दे आर द टीम, दे आर द बॉयज, दे आर द फॉरवर्ड्स जो समझते हैं कि 3 गोल की सबकत इनको हासिल करना होगी और कहना होगा कि अब जो खेल है वो काफ़ी हद तक फैसलाबाद के हक में जाता हुआ। सरगोधा स्ट्रगलिंग विद 1 और जो यहाँ पर फैसलाबाद के सपोर्टर्स हैं, उनके हमायती हैं, वो बहुत खुश हैं। ये देखिए जिस तरीके से गोल हुआ, बहुत उम्दा काविश, अच्छा तालमेल और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए यहाँ पर फैसलाबाद के खिलाड़ी। तो वेल डन, सो फार सो गुड, फैसलाबाद 3-1। फैसलाबाद के जो फॉरवर्ड हैं अच्छे तालमेल का, अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए दाएं और बाएं जानिब देखते हुए आगे बढ़ते हुए अच्छा पास दिया है, ये अच्छा मौका होगा लेफ्ट फ्लैंक से, लेकिन अभी ताखीर की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा अटेम्प्ट होती है या नहीं। इस दौरान कोशिश की और बड़ी अच्छी क्लियरेंस, दूसरी तरफ जो सरगोधा के डिफेंडर थे उनकी गेंद को लेकर आगे बढ़े, जवाबी हमला है सरगोधा की जानिब से इसके फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर गेंद किसी के हाथ में नहीं आई, जो फॉरवर्ड थे डिफेंडर भी थे वो नहीं रोक सके गेंद को और गेंद गई साइड लाइन से बाहर। इस दौरान एक हमला हुआ है, ये अच्छा हमला हो सकता था, लेकिन अच्छी एंटिसिपेशन इंटरसेप्शन हुई और अंपायर ने विसल बजाई है कि खेल को रोका जाए। और अच्छी बात ये है कि इस इवेंट के दौरान हमने कोई ज़ाहिर है इन्फ्रिंजमेंट या कोई ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। अब तीसरा क्वार्टर ख़त्म हो चुका है और इस क्वार्टर के खात्मे पर फैसलाबाद ने 3 गोलों की सबकत हासिल कर रखी है सरगोधा पर, और ऐसा करना चाहिए फैसलाबाद को क्योंकि उनको 3-1 से सबकत हासिल है। इस दौरान एक हमला हुआ है, ये क्या हमला गोल में बदलेगा या नहीं, ये देखना होगा। यहाँ से अटैम्प्ट, लेकिन अच्छी एंटिसिपेशन फ्रॉम दी सरगोधा डिफेंडर, गेंद उनके स्टिक से लगने के बाद बाहर चली गई है, तो स्ट्राइक मिलेगी अब फैसलाबाद को। इनका थ्रू पास लेकिन एंटिसिपेट हो गया, और जो पासिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको सही जगह पर पास फेंकना होता है, वही बेनिफिट होता है। और ये इंटरसेप्ट हुआ है, देखिए खतरे में बदल रहा है, यहाँ से कोशिश है, लेकिन एक मुश्किल एंगल था, गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई। यहाँ थोड़ा गेंद पर बल्बा देर तक कायम रखते और कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी या ओपनिंग देखते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक अच्छा हमला है, जवाबी हमला है सरगोधा की जानिब से राइट फ्लैंक से, देख रहे हैं अब जो फॉरवर्ड हैं कहाँ गेंद फेंका जाए, लेकिन इंटरसेप्शन हो गई और ये एक अच्छी मूव हो सकती थी। फैसलाबाद ने गेंद को दोबारा हासिल किया है, फैसलाबाद के फॉरवर्ड दाएं और बाएं जानिब अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए अच्छी पासिंग देते हुए, फॉरवर्ड हैं डिफेंडर हैं वो अपनी टर्म डिक्टेट कर रहे हैं, जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं, लेकिन बीच बीच में बड़े ज़बरदस्त हमले भी किए हैं सरगोधा ने और वो कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा एक मूव थी, लेकिन कमज़ोर पुश थी, अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर करार दे दिया है। टेम्पो खेल का जो है जिस तरीके से कायम है वैसे ही कायम रहे, पुश हुई रुकी पुश, लेकिन गेंद उछली और एक और पेनल्टी कॉर्नर। अटैकर्स हैं जो हिटर्स हैं वो तैयार हैं, गेंद रुकी जबरदस्त पुश और गेंद बाहर जा चुकी है। तो इस तरह एम सही नहीं किया, इट वाज अ वंडरफुल पुश, जोरदार पुश थी, बर्वक्त पुश थी, लेकिन सब ठीक नहीं थी। बहरहाल जवाबी हमला है अब सरगोधा का, सरगोधा के फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए 25 गज की लाइन से अंदर दाखिल हुए, डी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, यहां से क्रॉस लगाया और अच्छी अटेम्प्ट थी लेकिन रुक गई। इस दौरान फैसलाबाद के डिफेंडर ने गेंद को हासिल किया और बाहर फेंक दिया है, या ये कॉर्नर ही है, अंपायर का वही फैसला बरकरार है,
पहले दिया गया था, सेल्फ पास है और ये चिट्रिबल है। एटविल ज़ाहिर है कि इस वक्त फैसलाबाद के जो फॉरवर्ड हैं वो इम्प्रोवाइज़ करते हैं, यानी वो ऐसी खेल पेश करते हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल होता है, उनके पास वक्त है। और इस दौरान एक अच्छा हमला है, अच्छा ड्रिबल, आगे बढ़े और बहुत अच्छा गोल। हैसरा सरगोदा ने खसारा कम किया है, 2-3 अब हो गया है स्कोर जो है, और ये एक बर्वक्त अटैम्प्ट है। अभी भी कम अज़ कम 4 मिनट और 31 सेकंड का खेल बाकी है। सरगोदा ने एक गोल कर दिया है, 3-2 अब स्कोर हो गया है, और ये सूरत हाल ऐसी है जहाँ पर सरगोदा कम बैक कर सकता है। और ये गोल देखिए जिस तरीके तरह तरह हाथ चले, जो फॉरवर्ड हैं अच्छी ड्रिबल, गेंद को अपने कंट्रोल में रखा, अच्छा स्टिक वर्क, अच्छा फुटवर्क, अच्छा बॉडी डॉज और एक इनडायरेक्ट अटैम्प्ट और बहुत शानदार गोल इन द एंड बाय सरगोदा। तो सरगोदा 2 फैसलाबाद 3। ये जो सूरत हाल है बड़ी दिलचस्प है। अब 3 मिनट 59 सेकंड का खेल बाकी है, और याद रहे कि जो पेनल्टी शूट आउट हैं, तो पहला कल हुआ था सेमीफाइनल फैसलाबाद वर्सेस लाहौर, वो पेनल्टी शूट आउट से हुआ था। क्या सरगोदा की टीम एक और गोल करेगी, ये देखना होगा। यहाँ से रिवर्स हिट और अच्छी एंटिसिपेशन बाय द डिफेंडर फ्रॉम फैसलाबाद, लेकिन सरगोदा की टीम जो है वो अब मुसलसल दबाव डाल रही है, वो कोशिश करेंगे कि खेल ख़त्म होने से पहले जो है वो गोल किया जाए। फैसलाबाद के जो फॉरवर्ड है आगे बढ़ते हुए जवाबी हमला करते हुए 25 गज की लाइन के अंदर दाखिल हुए, डी के अंदर दाखिल होंगे, यहाँ से पास दिया है और यहाँ से अटैम्प्ट होगी, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सका और फाउल हो गया यहाँ पर जो फैसलाबाद के फॉरवर्ड थे। ये दोबारा अब सरगोदा के फॉरवर्ड के पास है, अच्छा पास देने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सरगोदा के फॉरवर्ड की पुश, एक और मूव बन सकती है, तो दरमियान से एफर्ट है बाजू का तो बड़ी कंड्यूसिव होती है। ये मौका होगा और यहाँ से क्लियर कर दिया फैसलाबाद के डिफेंडर ने, गेंद को आगे पहुँचा दिया जहाँ पर अब जवाबी हमला होगा फैसलाबाद की जानिब से। फैसलाबाद के सेंटर हाफ पास गेंद है, वो आगे जाने की कोशिश में कामयाब हुए हैं, अच्छी ड्रिबल है, अच्छी बॉडी डॉज है, 25 गज की लाइन में दाखिल हुए, यहाँ से लेफ्ट साइड पर पास दिया और लेफ्ट साइड पर से पास जो है जो लेफ्ट आउट थे उन्हें रिवर्स पास दिया है सेंटर हाफ को, अच्छा मौका है लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए फैसलाबाद के फॉरवर्ड। और ये तालमेल होता है मुख्तलिफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड ऑफ कोर्स एडवाइजर्स जैसे कि वहाब रियाज हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, ये सब कुछ जो है हॉकी की वेलफेयर और बेहतरी के लिए हो रहा है। यहाँ पर गेंद जाती हुई आगे की जाने पर अब वो लाइन से बाहर जा चुकी है, फ्री हिट होगी फॉर सरगोदा। सरगोदा के डिफेंडर ने आगे पास दिया है राइट आउट की पोजीशन पर, राइट विंग की पोजीशन पर गेंद आगे बढ़ती हुई, अच्छा तालमेल है। तारीफ करना होगी फैसलाबाद की जो अब किसी वक्त भी खेल के खात्मे के बाद ज़ाहिर है कि जीत जाएंगे, लेकिन काफ़ी वक्त है। तो इस तरह खेल खत्म हुआ और फैसलाबाद ने 3-2 से कामयाबी हासिल कर ली है सरगोदा पर। तो फैसलाबाद के लिए जाहिर है कि आज बहुत बड़ा दिन है, इंटर प्रोविंशियल जो हॉकी चैंपियनशिप है वो उसके फाइनलिस्ट और विनर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो फैसलाबाद के सपोर्टर्स हैं, जो फैसलाबाद के रिजर्व खिलाड़ी हैं, उनके जो ज़ाहिर है कि टीम ऑफिशल्स हैं, कोचेज़ हैं, वो एक शानदार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये हैं मेहमान खसूसी जनाब वहाब रियाज, उनके साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर आसिफ तुफैल जो कि डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के।